नहीं है। जब सब एक है तो एक समान वेतन हमें सरकार क्यों नहीं दे रही? हम सब एक है, एक समान वेतन मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। और मैं हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो नारी शक्ति जो है, जो जिस प्रकार हमारी नारी शक्ति जो है 24 घंटे स्कूल में रहती है, हमारी जो फादर है फुल टाइम टीचर है, इस कंडीशन में हर वक्त स्कूल में रहना, बिजी रहना, उस कंडीशन में अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती है, किस वक्त समय निकालती है, किसी के छोटे बच्चे भी होंगे, किसी के बड़े भी होंगे, उनका किस तरह पालन पोषण किया जाता होगा, किस तरह उन्हें समय दे पा रही होंगी, ये तो सरकार ने कभी नहीं सोचा। 24 घंटे के कार्य करने के बाद भी कम से कम सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत समय इन्हें अपने परिवार को भी देना चाहिए। हम लोग 24 घंटे ये शिक्षा की जो जलाने वाली टीचर हैं, जो बच्चों को शिक्षा देती हैं, सब काम करती हैं, और उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय होता हो रहा है, जिसका साथ हो रहा है, उन्हें एक वेतन उनको नहीं किया जा रहा, उनके जो कादे का वेतन है, जो 24 घंटे काम किया जा रहा है, उस मुकाबले उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। चाहे फोर्थ क्लास वाले हुए, चाहे हमारे मुख्य भैया हुए, चाहे सुविधा संभाग हुए, हम सब 24 घंटे कार्य करते हैं, 24 घंटे हम स्कूल में रहते हैं भाई। सबको परेशानी है, सबको दिक्कत है आज की तारीख में। हम लोग भाई, हम लोग जो हैं, अगर जब तक हम में अपना दम है, सांस है, जब तक हम नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उतने ही हमें वेतन मिल रहा है। कभी हमारे भविष्य के बारे में सरकार ने सोचा? कल को हम रिटायरमेंट होंगे, हमारे हम क्या व्यापार करेंगे, क्या अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, अपने मजदूर का मजदूर नहीं बता पा रहा है, हम क्या कर सकते हैं आगे के लिए? ऐसा कौन है जिसके अरमान नहीं है, जिसके अपने अरमान दिलों में नहीं है कि हम रिटायर होंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ दुकान भी खुलवा सकते हैं, जब मिल नहीं रहे हैं तो अपने बच्चों का कारोबार करा दें, कहाँ से अपने बच्चों की शादियाँ कर दें, और बुरे वक्त में कौन सी चीज हमारे साथ आएगी? जब तक पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, जब हम तक पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं कितना चाहता हूँ वेतन के साथ साथ हमारा टिके दिए, और जो हमारे जो भी कुछ है सब कटना चाहिए। आज की तारीख में हम तो छात्रों को जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कम से कम उसका टिके दिए तो कट रहा है। आज बिहार की दबल ही चल रही, आज हमारे हिंदुस्तान में कैंसर चल रहा है, हृदय के मरीज जा रहे हैं, डायबिटीज के मरीज ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी कंडीशन में हमारे लोगों को खो जाए तो कहाँ से पैसा लगाएगी? आदमी के तो एक इलाज में 12-13 लाख रुपए लग रहे हैं, और हम लोगों को 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं, क्या हमारी आगे की योजना है? क्या योजना है जो हमारे नीति आयोग में लोग बैठे हैं, जो नीति आयोग बनाते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी है, जो अपना कानून बनाते हैं, बस पूछना चाहता हूँ क्या कानून बनाया हम लोगों के बारे में? हमारा भविष्य क्या है आगे के लिए? क्या हम भिखारी हैं? हम आपके दर पर भीख मांग रहे हैं बार बार, कहते चले